ग्रीक क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आज हम एरिस्टोटल की थियरी ऑफ इमिटेशन का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं इंग्लिश बाय भूपेन सर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं, यह एरिस्टोटल की बहुत ही फेमस थियरी है जो परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती है। इसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा, इसलिए हिंदी में बताऊंगा आपको, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहे। जब भी कोई उत्तर लिखते हैं तो आपको यह इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी रहता है। थोड़ा सा जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसकी लाइफ के बारे में देना बहुत ही जरूरी रहता है। एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BC एट स्टेगिरा। 384 BC में एरिस्टोटल का जन्म हुआ था, स्टेगिरा नाम की जगह में, यूनान में। ही केम टू एथेंस एट द एज ऑफ 17 एंड बिकेम अ डिसाइपल ऑफ प्लेटो। 17 साल की उम्र में वो एथेंस आ गए, जहां पर वो प्लेटो के शिष्य हो गए, प्लेटो उनके गुरु थे। ही स्टेड विथ हिज मास्टर टिल हिज डेथ इन 347 BC। उनके गुरु प्लेटो की मृत्यु हुई 347 BC में, तब तक वह उनके साथ रहे। इन 342 BC ही बिकेम द ट्यूटर टू प्रिंस अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया। मैकेडोनिया मतलब इसको बोलते हैं मकदूनिया। तो 347 BC में वो मकदूनिया के जो राजकुमार थे अलेक्जेंडर, जिनको हम हिंदी में सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, उनके गुरु बन गए, वो उनके मास्टर बन गए। ही फाउंडेड द पेरिपेटेटिक ट्रेवलिंग अराउंड टू डिफरेंट प्लेसेस, इसका मीनिंग होता है स्कूल, वेयर ही डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स। उन्होंने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जो जगह जगह घूम घूम कर शिक्षा देती थी, है ना। ऐसे विद्यालय, ऐसी संस्था को उसने स्थापना किया। इसको बोलते हैं पेरिपेटेटिक, घूम घूम कर शिक्षा देना, जहां उन्होंने विभिन्न विषयों पर बहुत सारे लेक्चर्स दिए। ही डाइड इन 322 BC, 322 BC में उनकी मृत्यु हो गई। और ही वॉज अ वॉल्यूमिनस राइटर एंड हैज अबाउट 400 वॉल्यूम्स टू हिज क्रेडिट। बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक थे अरस्तु, और उन्होंने लगभग 400 किताबें लिखी हैं, 400 किताबें उन्होंने लिखी हैं। और उनकी जो फेमस बुक्स हैं, द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ हिज वर्क्स आर डायलॉग्स ऑन मोनार्की, नेचुरल हिस्ट्री, रेटोरिक, लॉजिक, एजुकेशनल इथिक, एथिक्स, पोएटिक्स। ये उनके कुछ फेमस किताबें हैं। तो यह आपको थोड़ा उनका बैकग्राउंड देना जरूरी है, उसके बाद आप उत्तर लिखना आगे चालू करेंगे। तो यह इंट्रोडक्शन आप हमेशा जब भी एग्जाम्स में आंसर लिखते हैं तो इन बातों को जरूर शामिल करें, आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। अब हम देखते हैं थियरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण करना, नकल करना या कॉपी करना। इसका जो यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, वह है मिमेसिस। इट्स नेचर कंपेरिजन विथ प्लेटो। इसमें हम देखेंगे कि जो इमिटेशन है उसका नेचर क्या होता है और प्लेटो के क्या विचारधारा है, प्लेटो ने क्या कहा था इसके विषय में, इसमें हम कंपेयर करेंगे। प्लेटो और एरिस्टोटल के व्यूज का हम कंपेरिजन करेंगे। इमिटेशन अ क्रिएटिव प्रोसेस। अरस्तु के अनुसार क्या है, एरिस्टोटल के अनुसार यह एक सृजनात्मक क्रिया है। जैसे हम सृजन करते हैं वैसे सृजनात्मक क्रिया है। अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इमिटेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। इसको बोलते हैं अनुकरण एक सृजनात्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, एरिस्टोटल डिड नॉट इन्वेंट द टर्म इमिटेशन, जिसको ग्रीक में मिमेसिस बोलते हैं। सो एरिस्टोटल डिड नॉट इन्वेंट, उसने इस शब्द का आविष्कार नहीं किया था। इमिटेशन के जन्मदाता एरिस्टोटल नहीं है। प्लेटो वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड इन कनेक्शन विथ पोएट्री। पोएट्री के संबंध में सबसे पहले प्लेटो ने मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया, मतलब इमिटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग पोएट्री के संबंध में प्लेटो ने किया। बट एरिस्टोटल ब्रिड इन टू इट अ न्यू एंड डिफिनेट मीनिंग। लेकिन अरस्तु ने उसे एक नया जीवन दिया, नया मीनिंग दिया, उसको मीनिंग प्रदान किया एरिस्टोटल ने। सो दैट पोएटिक इमिटेशन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड मियर मिमिक्री, अ मियर एक्ट ऑफ सर्वाइल कॉपिंग, बट इज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएशन बाय विच द पोएट ड्राइंग इज मटेरियल फ्रॉम द फेनोमिनल वर्ल्ड मेक्स समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। एरिस्टोटल के अनुसार जो इमिटेशन है वह केवल कॉपी करना नहीं है, केवल नकल करना नहीं है, केवल अनुकरण करना नहीं है, बल्कि हमारे आसपास जो हम देखते हैं, जो दृश्यमान जगत है, जो दृष्टिगोचर जगत है, जो संसार है जिसमें हम रहते हैं, उनमें जो बेस्ट है उसको अपनी रचनाओं में स्थान देना, या फिर हमारे आसपास प्रकृति में जो भी चीजें हम देखते हैं
उनका बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करना। इट मीन्स पोएट्री इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट मीन्स इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। खाली इसको कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है, बल्कि उसमें कुछ अपने इमोशंस और फीलिंग्स डालकर, इमेजिनेशन डालकर उसको पहले से बेहतर बनाना, मतलब यह एक सृजनात्मक क्रिया है, क्रिएटिव प्रोसेस है इमिटेशन। द कॉमन बेसिस ऑफ ऑल द आर्ट्स, इमिटेशन क्या है, जितने भी कलाएं होती होंगी, जितने भी आर्ट्स के फॉर्म होते हैं, है ना, आर्ट्स के कई प्रकार के फॉर्म होते हैं, यूजफुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स। यूजफुल आर्ट्स मतलब उपयोगी कलाएं, और फाइन आर्ट्स मतलब म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीजों को बोलते हैं फाइन आर्ट्स, हिंदी में बोलते हैं ललित कला। तो जो इमिटेशन है, सभी जितने भी प्रकार की कलाएं होती होंगी, जितने प्रकार के आर्ट्स होते होंगे, उनका आधारभूत तत्व क्या है, इमिटेशन है। इमिटेशन के माध्यम से ही वो बनते हैं। इन एरिस्टोटल्स व्यू, एरिस्टोटल के अनुसार, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन विच यूनाइट्स पोएट्री विद द अदर फाइन आर्ट्स। इट मीन्स सबसे आधारभूत तत्व क्या है, इमिटेशन है, और यह इमिटेशन ही पोएट्री को अन्य फाइन आर्ट्स के साथ जोड़ता है। इमिटेशन इज द कॉमन बेसिस ऑफ ऑल द फाइन आर्ट्स एंड इट इज दिस फैक्ट ऑफ इमिटेशन विच डिफरेंशिएट्स द फाइन आर्ट्स फ्रॉम द अदर कैटेगरी ऑफ आर्ट्स दैट इज द यूजफुल आर्ट्स। और यह इमिटेशन ही है जो यूजफुल आर्ट्स से फाइन आर्ट्स को अलग करती है। व्हाइल प्लेटो हैड इक्वेटेड पोएट्री विद पेंटिंग, प्लेटो का यह मानना था कि पोएट्री पेंटिंग जैसी कला है, जैसे पेंटिंग करते हैं वैसी पोएट्री भी वैसी कला है। एरिस्टोटल इक्वेट्स इट विद म्यूजिक, लेकिन एरिस्टोटल का कहना है कि पोएट्री पेंटिंग जैसी विधा नहीं है, बल्कि पोएट्री म्यूजिक जैसी विधा है, म्यूजिक जैसी कला है पोएट्री। इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ मियर सर्वाइवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, बट इन हिज थियरी इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैशंस एंड इमोशंस ऑफ मेन विच आर ऑल्सो इमिटेटेड बाई म्यूजिक। जैसे म्यूजिक में हम व्यक्तियों के मनोभावों को, उनके भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को हम जैसे म्यूजिक में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं म्यूजिक के माध्यम से, वैसे ही पोएट्री के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति की भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त करते हैं। इसलिए जो ये पोएट्री है वह केवल इमिटेशन वो नहीं है, सिर्फ कॉपी करना नहीं है, जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, वैसा काम नहीं है, सिर्फ नकल मात्र नहीं है, बल्कि यह उससे भी आगे बढ़कर एक इमेजिनेटिव प्रोसेस है। Thus Aristotle by his theory enlarged the scope of imitation. इस प्रकार एरिस्टोटल ने इमिटेशन के स्कोप को बड़ा कर दिया, महत्वपूर्ण कर दिया। द पोएट इमिटेट्स नॉट द सर्फेस ऑफ थिंग्स बट द हायर रियलिटी इम्बेडेड विद इट। पोएट क्या करता है, सिर्फ चीजों के बाहरी जो आवरण होते हैं सिर्फ उनको डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि उसके जो अंदर की चीजें हैं जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देती, उसे भी डिस्क्राइब करता है, अपने पोएट्री में डिपिक्ट करता है। एज द इमोशंस आर ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन ऑफ म्यूजिक, पोएट्री हैज क्लोज एफिनिटीज विद म्यूजिक। क्योंकि म्यूजिक में भी हम जो इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए पोएट्री भी म्यूजिक के समान है, क्योंकि पोएट्री में भी हम लोगों के फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए पोएट्री म्यूजिक के ज़्यादा करीब है, म्यूजिक के ज़्यादा समान है। इट इज़ अ मिस्टेक टू कंपेयर पोएट्री विद पेंटिंग एज प्लेटो डीड, इट इज़ मोर अकिन सिमिलर टू म्यूजिक। तो प्लेटो क्या है, जो पोएट्री है ना, वो कहते हैं कि पोएट्री पेंटिंग के जैसा है, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं जो पोएट्री है वह म्यूजिक के जैसी है और म्यूजिक के ज़्यादा करीब है, म्यूजिक से ज़्यादा समानता है उसमें इन कंपेरिजन विद पेंटिंग। इमिटेशन मीडियम एंड मैनर, अब इमिटेशन का मीडियम क्या होगा, माध्यम क्या होगा, अब मैनर मतलब तरीका क्या होगा। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि इमिटेशन का मीडियम क्या होता है, मैनर क्या होता है। इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पोएटिक्स, उनकी फेमस किताब है पोएटिक्स, जिसे ऑन पोएटिक्स भी कहते हैं, एरिस्टोटल सेज एपिक पोएट्री एंड ट्रेजडी कॉमेडी आल्सो डाइथेराम्बिक पोएट्री एज आल्सो द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट एंड लायर इन मोस्ट ऑफ देयर फॉर्म्स आर इन देयर जनरल कॉन्सेप्शन मोड्स ऑफ इमिटेशन। तो एरिस्टोटल का कहना है कि जैसे एपिक पोएट्री है, महाकाव्य, या फिर ट्रेजडी है, या फिर कॉमेडी है, या फिर डाइथेराम्बिक में मतलब उसको बोलते हैं जो गीत होते हैं, जो प्रगीत होते हैं, जिसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स ज़्यादा होते हैं, ऐसी कविताओं को बोलते हैं डाइथेराम्बिक। ये सभी जैसे म्यूजिक के जो अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे फ्लूट है मतलब बांसुरी बजाना, लायर मतलब वीणा बजाना, तो जैसे इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं, वैसे ही ये जो ऊपर जो एपिक पोएट्री, ट्रेजडी, कॉमेडी, इनके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं,
इनको एक्सप्रेस करने का मीडियम और मैनर अलग अलग होता है, लेकिन इन सब में जो जनरल चीज है वह क्या है, इमिटेशन है। एक चीज जो इन सभी कलाओं में पाई जाती है, सभी फाइन आर्ट्स में, वह क्या है, इमिटेशन है। इमिटेशन सभी में होता है। दे डिफर हावियर हावेवर, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है? फ्रॉम वन अनदर इन थ्री रेस्पेक्ट देयर मीडियम, लेकिन वह तीन चीजों में अलग अलग होते हैं, तीन बातों में इनमें भिन्नता है। देयर मीडियम, उनका माध्यम क्या होगा, द ऑब्जेक्ट्स, उनकी विषय वस्तु क्या होगा, उनका उद्देश्य क्या होगा, एंड द मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन, और इमिटेशन का माध्यम क्या होगा, मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा। बींग इन ईच केस डिस्टिंक्ट, जो कि सभी मामलों में अलग अलग होता है। जैसे बांसुरी को अलग तरीके से बजाया जाता है, उसका प्रभाव अलग होगा, वीणा का प्रभाव अलग होगा, एपिक पोएट्री का प्रभाव अलग होता है, ट्रेजडी का प्रभाव अलग होता है, कॉमेडी का प्रभाव अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मामले हैं। दस द मीडियम ऑफ द पोएट एंड द पेंटर आर डिफरेंट, पेंटर का माध्यम अलग होता है, पेंटर का ये भी एक ललित कला है या फिर फाइन आर्ट्स है। पेंटर क्या है, रंग की सहायता से और चित्रकारी करता है, पेंटिंग करता है। द वन इमिटेट्स थ्रू फॉर्म एंड कलर, जो पेंटर होता है वो फॉर्म और कलर के माध्यम से पेंटिंग बनाता है, एंड द अदर थ्रू लैंग्वेज रिदम एंड हारमोनी, लेकिन पोएट क्या करता है, लैंग्वेज के माध्यम से, रिदम के माध्यम से मतलब लय के माध्यम से, और हारमोनी, हारमोनी मतलब सामंजस्य, शब्दों का सही चयन, उनको सही क्रम में जमाना, इसको बोलते हैं सामंजस्य। तो पोएट का मीडियम अलग है और जो पेंटर है उसका मीडियम अलग है एक्सप्रेस करने का। द म्यूजिशियन इमिटेट्स थ्रू रिदम एंड हारमोनी, और म्यूजिशियन क्या करता है, रिदम और हारमोनी के द्वारा वह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसको इमिटेट करता है, इसके माध्यम से इमिटेट करता है। इन दिस वे पोएट्री इज नियर टू म्यूजिक देन पेंटिंग, क्योंकि म्यूजिशियन क्या करता है, रिदम और हारमोनी की सहायता से इमिटेट करता है, और पोएट्री में भी यही काम होता है, इसलिए जो पोएट्री है वह म्यूजिक के ज़्यादा करीब है पेंटिंग की तुलना में। फर्दर द मैनर ऑफ अ पोएट मे बी प्योरली नैरेटिव एज इन द एपिक और रिप्रेजेंटेशन थ्रू एक्शन एज इन ड्रामा। इसके बाद पोएट्री में भी अलग अलग विधा है, जैसे कोई एपिक है, महाकाव्य है, तो उसमें जो पोएट होता है कहानी को नैरेट करता है ना, उसको कहानी को सुनाता है आपको, नरेशन जिसको बोलते हैं, नरेट करना। तो एपिक पोएट्री में नरेशन होता है, पोएट डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, डिस्क्राइब करते हुए चलता है, वर्णन करता हुआ चलता है। लेकिन और ड्रामा में क्या करता है, ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग किरदार हैं, वो खुद ही डायलॉग्स बोलते हैं, अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार एपिक पोएट्री अलग है और ड्रामा का फॉर्म अलग होता है। दस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर मैनर ऑफ इमिटेशन, इसलिए पोएट्री के जो अलग अलग फॉर्म हैं वो इमिटेशन के मामले में अलग अलग होते हैं। इमिटेशन का जो मैनर होता है, सभी प्रकार की पोएट्री का अलग अलग तरीका होता है। इवन ड्रामेटिक पोएट्री इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रेजेडी एंड कॉमेडी अकॉर्डिंगली एज इट इमिटेट्स मेन एज बेटर आर वर्स। वैसे ड्रामेटिक पोएट्री होती है, कुछ पोएट्री जो ड्रामा के रूप में लिखा होता है वो भी ट्रेजेडी और कॉमेडी से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का जो डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है पोएट का, वो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। मतलब जो ड्रामेटिक पोएट्री में जब पोएट किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसका डिपिक्ट करता है, तो या तो वह उस व्यक्ति को वह जैसा है उससे अच्छा बना सकता है, बेटर और वर्स, या उससे बुरा बना सकता है। मतलब एक पोएट ड्रामेटिक पोएट्री में अपने इमेजिनेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति को अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। मतलब वह उसके वास्तविक व्यक्तित्व को चित्रित नहीं करता, बल्कि या तो उसे अच्छा बना भी सकता है या फिर बुरा भी बना सकता है। थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ पोएटिक इमिटेशन। पोएटिक इमिटेशन के ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य या विषय वस्तु क्या होंगे और उसका नेचर कैसा होगा, ये देखते हैं। एज रिगार्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, उद्देश्य क्या होगा। एरिस्टोटल सेज दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोएटिक इमिटेशन आर मैन इन एक्शन, मतलब जो पोएटिक इमिटेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, वह होता है मैन इन एक्शन। मैन इन एक्शन मतलब जो हम आसपास जिन लोगों को देखते हैं, जो किसी न किसी काम में, किसी न किसी गतिविधि में संलग्न है, तो यही पोएटिक इमिटेशन के क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। इन्हीं से कोई कवि प्रेरणा लेता है। द पोएट में इमिटेट मैन एज दे वर और एज दे आर टू बी, पोएट किस प्रकार उनको इमिटेट कर सकता है, मतलब जैसे वे थे, वे व्यक्ति जैसे थे पहले या जैसा उनको होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स,
ही में रिप्रेजेंट मैन आइदर एज बेटर देन इन रियल लाइफ और एज वर्स देन दे आर। मतलब या तो पोएट किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक व्यक्तित्व से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छा दिखा सकता है अपनी कविता में जैसा कि वह रियल लाइफ में है, या फिर वह उससे बुरा भी दिखा सकता है। दिस मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स थीरी इमिटेशन इज नॉट अ मियर फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ थिंग्स बट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। मतलब जब कोई पोएट किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है उसके वास्तविक व्यक्तित्व से उसे अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है, तो इसके लिए वह इमेजिनेशन का सहारा लेता है, अपनी कल्पनाओं का सहारा लेता है। इसीलिए जो इमिटेशन है वह एक क्रिएटिव प्रोसेस है और एज इट इज डिस्क्राइब नहीं करता। जैसे कि मिरर में हम अपना इमेज देखते हैं वो होता है एज इट इज, लेकिन पोएट उसको एज इट इज डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को या तो वह बेटर बना देता है या फिर वर्स बना देता है। इट मीन्स इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। तो यह एरिस्टोटल यह कहना चाह रहे हैं, द पोएट सिलेक्ट्स एंड ऑर्डर्स इज मटेरियल एंड इन दिस वे रिक्रिएट्स रिक्रिएट्स रियलिटी, ही ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ क्लास। इट मीन्स पोएट का जो काम है वह है आउटर वर्ल्ड से, जो दुनिया है, जो संसार है, उससे मटेरियल चूज करता है वो, लेकिन वह अपने इमेजिनेशन के माध्यम से रियलिटी को रिक्रिएट करता है, पुनर्सृजन करता है उसका, है ना, दोबारा से उसका निर्माण करता है, पुनर्सृजन करता है। ही ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ क्लास। और जो बिखरी हुई चीजें हैं, जो अव्यवस्थित चीजें हैं हमारे संसार में, हमारे व्यक्तित्व में, उनको वह व्यवस्थित करता है। तो वह क्या व्यवस्थित करता है चीजों को, पोएट का एक काम है। मतलब वह बहुत बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है अपनी रचनाओं में। ही कैन रिप्रेजेंट मैन बेटर देन इन रियल एंड इट माइट बी बेस्ड ऑन मटेरियल सप्लाइड बाय हिस्ट्री एंड लीजेंड रेदर देन बाय एनी लिविंग फिगर। जब वो किसी लिविंग फिगर को डिस्क्राइब करेगा तो क्या उसको एज इट इज डालना पड़ेगा, लेकिन जब वो उसको मटेरियल हिस्ट्री से प्राप्त होता है या लीजेंड मतलब जो दंत कथाएं होते हैं, जो मिथ्स होते हैं, वहां से जब वो मटेरियल लेता है तब वह लोगों को या तो बेटर या फिर वर्स रूप में चित्रित करता है। Thus he gives a truth of an ideal or universal kind. He tells us not what men are, but what they can be or what they ought to be. It means वह लोगों को इस तरह describe करता है, वो जैसे हैं वैसा नहीं बताता। He tells us not what men are, कि व्यक्ति कैसा है, लोग कैसे हैं, वैसा describe नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो यह बताता है कि वे क्या हो सकते हैं, what they can be, कि वे कैसे हो सकते हैं या फिर क्या उन्हें होना चाहिए, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होना चाहिए। His mind is not tied to reality. It means वह वास्तविकता से बंधा हुआ नहीं रहता। It is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen. किसी कवि या पोएट का काम यह नहीं है कि वह इससे संबंधित रहे कि क्या हो चुका है, what has happened, क्या हो चुका है, but what may happen, बल्कि क्या हो सकता है। पोएट का काम यह बताना नहीं है कि क्या हो चुका है, बल्कि क्या हो सकता है। According to the laws of प्रोबेबिलिटी या नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभाव्यता, और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, मतलब संभावना और आवश्यकता अनुसार क्या हो सकता है, इसको डिपिक्ट करना उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या होता है। हिस्ट्री टेल्स अस व्हाट एक्चुअली हैपन, पोएट्री व्हाट मे हैपन। हिस्ट्री या इतिहास हमको यह बताता है कि क्या हो चुका है, क्या हुआ था, लेकिन पोएट्री हमको क्या बताता है, क्या हो सकता है। पोएट्री टेंस टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल, हिस्ट्री द पर्टिकुलर। इसलिए पोएट्री का जो स्कोप होता है वह हिस्ट्री से ज्यादा होता है, पोएट्री यूनिवर्सल होती है क्योंकि इसका जो स्कोप है अनलिमिटेड है। लेकिन हिस्ट्री क्या है, किसी पर्टिकुलर पीरियड या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंध रखता है, इसलिए हिस्ट्री का जो स्कोप है वह लिमिटेड है। इन दिस वे ही डिमॉन्स्ट्रेट्स द सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर हिस्ट्री। इस प्रकार एरिस्टोटल यह बताते हैं कि जो पोएट्री है वह हिस्ट्री से बेटर है, हिस्ट्री से सुपीरियर है। बाय द वर्ड यूनिवर्सल एरिस्टोटल सिग्निफाइज, और यूनिवर्सल का क्या अर्थ है एरिस्टोटल के हिसाब से, हाउ अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन नेचर अ टाइप विल ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन स्पीक और एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। यूनिवर्सल कहने से प्लेटो का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसे ही उन्होंने यूनिवर्सल कहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, लाइफ टाइप सिचुएशन में व्यक्ति डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है, पर्टिकुलर टाइप का बिहेव करता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल।
दस द पोएट कॉन्स्टेंटली राइजेज फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल, इसलिए जो पोएट है किसी पर्टिकुलर चीज़ों को जनरल बना देता है। मतलब पोएट जब किसी व्यक्ति को जब डिस्क्राइब करता है तो उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं हमको लगता है कि वो हमारे ही इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वह किसी पर्टिकुलर पर्सन के इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होते बल्कि उसका जनरलाइजेशन हो जाता है। द पोएट ट्रांसेंड्स एक्सिट्स द लिमिट ऑफ रियल लाइफ विदाउट वायलेटिंग द एसेंशियल लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। जो हमारे ह्यूमन नेचर है, हमारी जो प्रकृति है ना, तो उसका जो मौलिक जो उसकी उसकी जो प्रकृति है, हमारे हमारे जो मनुष्यों की जो मौलिक प्रकृति है उसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए वह रियल लाइफ को विस्तार प्रदान करता है, उसकी लिमिट को विस्तार देता है। मतलब किसी व्यक्ति की भावना और इमोशन की जो मौलिक प्रकृति है ना, नेचुरल जो ह्यूमन नेचर है, उसमें बिना छेड़छाड़ किए, बिना ज़्यादा परिवर्तन किए वह हमारे जीवन को विस्तार देता है। एल्सवेयर एरिस्टोटल सेज आर्ट इमिटेट्स नेचर। एक जगह वो कहते हैं कि आर्ट इमिटेट्स नेचर, जो आर्ट है वह नेचर को इमिटेट करता है। एंड इन द पोएटिक्स वी आर टोल्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन आर मैन इन एक्शन। इन द फॉर्मर डेफिनेशन ही रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन। यहाँ पर दो प्रकार की नेचर की बात की गई है। एक बार आर्ट इमिटेट्स नेचर मीन्स जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा फेनोमेनल वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, एक तो पोएट्री उसका इमिटेट करती है, उसका इमिटेशन करती है, और दूसरा जो ह्यूमन नेचर है, मतलब लोगों के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसको भी इमिटेट करती है। सो इट मीन्स यहाँ पर आर्ट इमिटेट्स नेचर, मतलब वह नेचर के प्रोसेस को इमिटेट करती है, इमिटेट किया जाता है। नेचर का प्रोसेस क्या है? जैसे एक बीज है, हमने बीज को जमीन में लगा दिया, फिर वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, है ना, कुछ पेड़ मर भी जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ नेचर। सो इट मीन्स आर्ट इमिटेट्स नेचर मीन्स आर्ट इमिटेट्स द प्रोसेस ऑफ द नेचर, एंड सेकेंडली द आर्ट इमिटेट्स द नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग। तो इनको आपको समझना है। बाय द नेचर एरिस्टोटल डज नॉट मीन द आउटर वर्ल्ड ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स, ही मीन्स बाय नेचर द क्रिएटिव फोर्स द प्रोडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। जब नेचर का इमिटेट करने की बात एरिस्टोटल कहते हैं तो यह केवल आउटर वर्ल्ड की बात नहीं करते कि हमने एक पेड़ को देखा, उसको अपनी शायरी में, अपनी कविता में डिपिक्ट कर दिया, या फिर हमने उसको देखकर अपनी कविता लिख दी किसी पेड़ को, बल्कि नेचर में चलने वाले जो इंटरनल प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको इमिटेट करता है। मतलब यूनिवर्स का जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है कि नई नई चीज़ें जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, समाप्त होती हैं, तो इस प्रोसेस को इमिटेट करता है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ लिटरल कॉपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, रेदर व्हाट आर्ट सीक्स टू रिप्रोड्यूस इज मेनली एन इनवर्ड प्रोसेस, अ फिजिकल, अ साइकिकल, द ह्यूमन साइके एनर्जी वर्किंग आउटवर्ड्स, डीड्स, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, सिचुएशंस being included under it, so far as these spring from an inward act of will or elicit draw out of some activity of thought or feeling. It means जो poetry है वह nature के internal process को imitate करती है, या व्यक्तियों के जो feelings हैं, emotions हैं, sentiments हैं, उनके different types of actions हैं, मतलब व्यक्ति के मन में जो चलने वाली जो चीज़ें हैं, उसके अंदर में मन के मनोभाव हैं, उसको imitate करती है poetry, है ना, उसको imitate करता है poet. तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। मैन इज द हाइएस्ट ऑफ द क्रिएचर्स, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं मनुष्य उनमें सर्वश्रेष्ठ है। ही हैज़ विद इन हिम एन अर्ज टू राइज अपवर्ड्स, उसमें एक आगे बढ़ने की जिजीविषा होती है, तीव्र इच्छा होती है विकास करने की और आगे बढ़ने की। एंड इट इज दिस सीजलेस अपवर्ड स्ट्राइविंग विच अ पोएट इमिटेट्स, और यह जो जिजीविषा है, जो आगे बढ़ने की इच्छा है, जो प्रोग्रेस करने की जो इच्छा है, इसे ही पोएट इमिटेट करता है। He renders men as they ought to be. वह कहता है, वह यह बताता है कि व्यक्तियों को कैसा होना चाहिए। The poet imitates the creative process of nature. जो poet है वह nature के creative process को imitate करता है, सृजनात्मक जो प्रक्रिया है उसको imitate करता है। But the objects of his imitation are men in action, और the actions of men are human life in all its manifestations. तो वह nature के process को भी imitate करता है और व्यक्तियों के नेचर को भी इमिटेट करता है, लोगों के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। मैन इन एक्शन मतलब जो दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। नाउ द एक्शन मे बी एक्सटर्नल और इट मे बी इंटरनल। एक्शन से तात्पर्य है कि व्यक्तियों का एक्शन इंटरनल हो सकता है। इंटरनल एक्शन मतलब हमारे दिमाग में जो चलने वाली चीज़ें हैं, मन में जो आने वाले मनोभाव हैं, फीलिंग्स और इमोशंस हैं, यह इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल क्या हो गया?
जो बाहरी रूप रंग होता है व्यक्तियों का वह हो गया है एक्सटर्नल। इट मे बी द एक्शन विद इन द सोल कास्ट बाई ऑल दैट बिफॉल सकस टू मैन। इस एक्शन में वे सारी घटनाएं भी शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जिंदगी में होती हैं। इन दिस वे ही ब्रिंग्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इमोशंस एंड पैशंस ऑल दैट हैपन्स आर इज लाइकली टू हैपन टू मैन विद इन द स्कोप ऑफ पोएटिक इंटेंशन। इसका मतलब पोएटिक इंटेंशंस के अंतर्गत वे लोगों के फीलिंग्स, उनके एक्सपीरियंस, उनके इमोशंस, उनके पैशंस और वे सभी घटनाएं जो उनकी जिंदगी में होती हैं या फिर हो सकती हैं, उन सभी को वह पोएटिक इमिटेशन के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। एज बचर नाम के एक विद्वान है, उनका कहना है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉरल क्वालिटीज जो नैतिक गुण हैं लोगों के, द परमानेंट डिस्पोजिशंस ऑफ द माइंड मन में रहने वाले जो स्थायी मनोभाव हैं, जैसे कोई पिता हमेशा अपने पुत्र को प्यार करता है, एक स्थायी मनोभाव है, द पासिंग एंड ट्रांजिएंट मोमेंटरी इमोशंस एंड फीलिंग्स जो हमारे दिमाग में आने वाले क्षणिक मनोभाव हैं, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं, आर ऑल एक्शंस एंड सो प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोएटिक इमिटेशन। तो ये सभी ऑब्जेक्ट पोएटिक इमिटेशन के ऑब्जेक्ट हैं, पोएटिक इमिटेशन के विषय वस्तु हैं और इसके द्वारा पोएट अपनी कविताओं में इन सबको डिस्क्राइब करता है। हमारी क्षणिक भावनाएं हैं, मोमेंटरी फीलिंग्स हैं और जो परमानेंट डिस्पोजिशंस हैं, मनोभाव हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को वह पोएटिक इमिटेशंस के माध्यम से व्यक्त करता है। आइडियल पॉसिबिलिटी एज ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। आइडियल पॉसिबिलिटी मतलब क्या आदर्श होने की संभावना है, वह आदर्श स्थिति जहाँ तक पहुँचने की संभावना है एज ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, विषय वस्तु के रूप में वे आइडियल पॉसिबिलिटी का भी बात करते हैं कि कौन सी आदर्श अवस्था है जो पोएटिक इमिटेशन के माध्यम से संभव हो सकती है। पोएट्री में इमिटेट मेन एज बेटर आर वर्स देन दे आर इन रियल लाइफ, मतलब पोएट्री किसी व्यक्ति की वास्तविक जिंदगी में कोई व्यक्ति जैसा है उससे बेहतर रूप में या फिर उससे खराब रूप में, बुरे रूप में इमिटेट कर सकती है। आर इट में इमिटेट देम एज दे रियली आर, या तो वह जैसे वे हैं वैसे भी उन्हें डिस्क्राइब कर सकती है। ट्रेजिडी एंड एपिक रिप्रेजेंट मेन ऑन अ हीरोइक स्केल, जो ट्रेजिडी है, ड्रामा का जो ट्रेजिडी वाला फॉर्म है या एपिक है, महाकाव्य है, वह उनको, लोगों को हीरोइक स्केल, एक हीरो जैसा डिस्क्राइब करते हैं लोगों को, बेटर देन दे आर, वो जो है उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा उदात या सबलाइन। एंड कॉमेडी रिप्रेजेंट्स मेन ऑफ अ लोअर टाइप, लेकिन कॉमेडी में लोगों को क्या है, उनका हंसी उड़ाई जाती है, मखल उड़ाया जाता है, लोअर टाइप से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, जैसे हैं वह उससे नीचे या खराब। एरिस्टोटल डज नॉट डिस्कस द थर्ड पॉसिबिलिटी, तीसरी संभावना के बारे में एरिस्टोटल डिस्कस नहीं करते हैं। इट मीन्स दैट पोएट्री डज नॉट एमेट फोटोग्राफिक रिलीजन, इसमें मतलब जो पोएट्री है वह मिरर इमेज जैसा नहीं है कि जैसा है वैसा ही उसको डिस्क्राइब कर देना, जैसे हम फोटो खींचते हैं जैसा है वैसा ही हमको फोटो में दिखाई देता है, वास्तव में पोएट्री का काम ऐसा नहीं है, पोएट्री ऐसा कार्य नहीं करती। इन दिस कनेक्शन आर ए स्कॉट जेम्स, ये एक और विद्वान है, ये पॉइंट आउट करते हैं एरिस्टोटल न्यू नथिंग ऑफ द रियलिस्टिक आर फ्लेसी आर फिजिकल स्कूल ऑफ फिक्शन एंड सो ही इग्नोर्स द थर्ड पॉसिबिलिटी एज मेंशन अबव। आर ए स्कॉट जेम्स कहते हैं संभवतः इनको यथार्थवाद के विषय में पता नहीं था। एरिस्टोटल को यथार्थवाद मतलब चीज़ों को जो चीज़ जैसी है वैसे इनको डिस्क्राइब करना, शायद इस प्रणाली या इस पद्धति का उन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया। एबरक्रॉम्बी नाम के एक अन्य विद्वान है, उनका कहना है ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स एरिस्टोटल फॉर नॉट डिस्कसिंग द थर्ड वेरियंट, नाउ ही सेज इट इज जस्ट पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज, बट द एक्साइटिंग थिंग इज टू इमेजिन लाइफ एज इट माइट बी and it is then that imagination becomes an impulse capable of inspiring poetry. लेकिन एबरक्रॉम्बी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल को उसका पता नहीं था कि चीज़ों को जैसे हैं वैसे उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, रियलिटी में, लेकिन वास्तव में उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, जो चीज़ जैसा है आपने वैसे उसको डिस्क्राइब कर दिया तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। लेकिन पोएट्री वास्तव में क्या है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है, तो अपने इमेजिनेशन के माध्यम से कोई पोएट उसको बहुत ही बेहतर बनाता है और यही हमको एक्साइट करता है, मतलब जो चीज़ जैसी है उसके बाद सुंदरतम रूप में प्रस्तुत करता है और यही हमारे इंटरेस्ट का कारण होता है। बट व्हाट विल बी इनफ टू मेक द रिजल्टेंट पोएट्री या लिटरेचर समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट कॉपी ऑफ द वर्ल्ड विथ प्लेटोस कंडेमनेशन एज इम डेड टू बी। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान यह होगा कि वास्तव में जो चीज़ें जैसी है वैसी डिस्क्राइब नहीं की जाएंगी पोएट्री में, तो मतलब पोएट्री जो है सत्य से दूर हो जाता है, जो चीज़ें जैसी हैं अगर हमने उसको वैसे ही डिस्क्राइब नहीं किया
तो क्या होगा पोएट्री, इट विल नॉट बी अ रियल पोएट्री। और इसी को प्लेटो कंडेम करते हैं। इसीलिए जो प्लेटो हैं वो पोएट और पोएट्री को कंडेम करते हैं कि वह सत्य से तीन गुना दूर होती है, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। कंपेरिजन विद प्लेटोज व्यू, प्लेटो का जो दृष्टिकोण इमिटेशन के बारे में, हम देखते हैं कि अरस्तु और प्लेटो के विचारों में क्या समानता है और क्या असमानता है। एरिस्टोटल बाय हिज थियरी ऑफ इमिटेशन आंसर्स द चार्ज ऑफ प्लेटो दैट पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ शेडो ऑफ शेडोज। प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री जो है शेडो ऑफ शेडोज है, क्योंकि जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था चेयर का, जैसे एक चेयर है, इसका चेयर बनाने का जो आइडिया है वह भगवान के दिमाग में है, ईश्वर के दिमाग में है। इस चेयर को देख के एक कारपेंटर चेयर बनाता है तो यह इसको इमिटेट करता है, कॉपी करता है, और इस चेयर को देखकर एक पेंटर चेयर का चित्र बनाता है तो यह कारपेंटर के बनाए चेयर को इमिटेट करता है। मतलब यह जो चेयर है पेंटर का, यह ओरिजिनल चेयर मतलब जो आइडिया है उससे तीन गुना दूर है अकॉर्डिंग टू हिम। इट मीन्स इट इज शेडो ऑफ शेडोज। तो जो आर्ट होता है, आर्ट कोई भी आर्ट हो, वह रियलिटी से तीन गुना दूर होता है, ऐसा उनका कहना है। थ्राइज रिमूव फ्रॉम द ट्रूथ, छाया की छाया है, सत्य से तीन गुना दूर है। एंड दैट द पोएट बिगाइस ल्योर्स अस विथ लाइज, और पोएट हमको झूठ बोलते हैं, हमको धोखा देते हैं, हमको बरगलाते हैं। प्लेटो कंडेम्ड पोएट्री ऑन द ग्राउंड दैट इन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स पोएट्स कैन हैव नो आइडिया ऑफ ट्रूथ। तो इनका पोएट इसलिए पोएट्री को कंडेम करते हैं कि इसका सत्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, पूरे पोएट्री और पूरे पोएट्स झूठे होते हैं। द फेनोमिनल वर्ल्ड मतलब यह दृश्यमान जगत जिसमें हम रहते हैं, द फेनोमिनल वर्ल्ड इज नॉट द रियलिटी, यह जो दुनिया है यह रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ छाया मात्र है। बट अ कॉपी ऑफ द रियलिटी इन द माइंड ऑफ द सुप्रीम, जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, उनके दिमाग में यह जो संसार है, वास्तविक संसार उनके दिमाग में होता है। मतलब जो वास्तविक संसार है, जो रियल वर्ल्ड है, फेनोमिनल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है वह ईश्वर के दिमाग में होता है, और हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वह उसका एक इमिटेशन है, उसकी कॉपी है। दिस इज नॉट रियलिटी, द पोएट इमिटेट्स दिस कॉपी, और जो पोएट होते हैं वे इसी फिनोमिनल वर्ल्ड जो कि ऑलरेडी डुप्लीकेट है उसका वो कॉपी करते हैं, उनका इमिटेट करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड विच आर शेडोई एंड अनरियल, ये जो ऑब्जेक्ट हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं दुनिया में, वे ऑलरेडी शेडो हैं, शेडो ऑफ शेडो हैं और अनरियल हैं। हैंस प्लेटो कंक्लूडेड दैट पोएट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी इट बीइंग अ मियर शेडो ऑफ शेडोज। इसीलिए क्या कहते हैं, पोएट्री जो है वह सत्य से तीन गुना दूर है, क्योंकि वह फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है, शेडो ऑफ शेडोज है। जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराते हैं, उस फोटोकॉपी से फिर फोटोकॉपी कराते हैं, इसी प्रकार आर्ट है, पोएट्री है, जो सत्य से तीन गुना दूर होती है प्लेटो के अनुसार। द पोएट्स हैव नो नॉलेज ऑफ ट्रूथ, दे आर लायर्स एंड डिसीव्स अस विद द लाइज विच दे टेल इन देयर पोएट्री। प्लेटो का यह मानना है कि जो पोएट होते हैं धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, और वे हमको झूठ बोलते हैं, है ना, हमको धोखा देते हैं झूठ के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से, अपनी कविता में। पोएट्री इज देयरफॉर द मदर ऑफ लाइज, मतलब जो पोएट्री होती है वह झूठों का सरदार होती है, मतलब जितने भी झूठ हैं उनकी मदर है, सबसे बड़ी झूठ पोएट्री है। एरिस्टोटल ऑन द कंट्री टेल्स अस दैट आर्ट इमिटेट्स नॉट द मियर शोज ऑफ थिंग्स बट द आइडियल रियलिटी एम्बॉडीड इन वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एरिस्टोटल का कहना है कि पोएट्री और केवल इमिटेशन नहीं होती है कि बाहरी चीज़ों को हमने देखा और उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया, बल्कि यह आइडियल रियलिटी होती है कि चीज़ों को कैसा होना चाहिए, क्योंकि पोएट्री नेचर के प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करती है और पोएट्री ह्यूमन नेचर को भी इमिटेट करती है। इसलिए पोएट्री एक क्रिएटिव प्रोसेस है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ नेचर इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, एवरीवेयर इन नेचर देयर इज अ सीडलेस एंड अ पॉड प्रोग्रेस, एवरीथिंग इन नेचर इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड मूविंग अप एंड द पोएट इमिटेट्स दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ नेचर। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वह निरंतर विकासशील हैं, विकसित हो रही है। अब प्रकृति में जो विकास हो रहा है इसे ही पोएट इमिटेट करता है, क्योंकि चीज़ें विकसित हो रही हैं, हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं वे विकसित हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और इसी को वो कॉपी करता है, इमिटेट करता है। आर्ट आर्ट रिप्रोड्यूसेस द ओरिजिनल नॉट एज इट इज, जो आर्ट है वह चीज़ों को जैसी हैं वैसे ही नहीं दिखाता बल्कि उनको रिप्रोड्यूस करता है, पुनर्सृजित करता है। बट एज इट अपीयर्स टू द सेंसेस दैट इज इट इज रिप्रोड्यूस्ड इन इमेजिनेटिवली, मतलब वह अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा जैसा वह महसूस करता है उसके आधार पर वह उसे नया जीवन देता है, रिप्रोड्यूस करता है।
Art moves in a world of images and reproduces the external according to the idea remained in his mind. Art क्या करता है, चीजों को पहले बाहरी तरीके से देखता है, बाहरी आवरण को देखता है, फिर उसके अंदर में भी चलने वाली जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है, उसको अपनी कल्पनाओं के आधार पर वह उसको डिस्क्राइब करता है. Thus, the poet does not copy the external world, but creates according to his idea of it. तो पोएट केवल आउटर वर्ल्ड को जैसा उसको दिखाई देता है उसको देखकर ही उसको कॉपी नहीं करता, इमिटेट नहीं करता, बल्कि उसमें अपना आइडिया भी लगाता है, अपना इमेजिनेशन भी लगाता है. तो यह क्रिएटिव प्रोसेस है. Thus, even an ugly object well imitated becomes a source of pleasure. इसीलिए कोई चीज जो वास्तव में दिखने में सुंदर नहीं है, अगली है, खराब है, लेकिन जब पोएट उसको डिस्क्राइब करता है तो हमको प्लेजर प्रदान करता है. वी आर टोल्ड इन द पोएटिक्स, पोएटिक्स में लिखा है उन्होंने, ऑब्जेक्ट्स विच इन देमसेल्व्स वी व्यू विद पेन वी डिलाइट टू कंटेम्पलेट एंटिसिपेट व्हेन रिप्रोड्यूस्ड विद माइन्यूट फिडेलिटी फेथफुलनेस सच एज द फॉर्म्स ऑफ द मोस्ट इग्नोबल नॉट गुड और ऑनेस्ट एनिमल्स एंड डेड बॉडीज. यही कारण है कि हमारी वास्तविक जिंदगी में जिन चीजों को हम देख कर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम उनको पोएटिक इमिटेशन देखते हैं, या फिर हम उन्हें पर्दे में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, या फिर ड्रामा में देखते हैं, या पोएट्री में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो चीजें हमको खुशी देती हैं. रियल वर्ल्ड में जिन चीजों को देखकर, जैसे शेर है, शेर को देख के हम डर जाते हैं, है ना, रियल लाइफ में शेर को देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन हम टीवी पर देखते हैं या फिर बड़े पर्दे पर देखते हैं, एनिमल प्लेनेट में देखते हैं, ज्योग्राफी चैनल में देखते हैं, तो हम उससे डरते नहीं, हमको अच्छा लगता है, देखकर खुशी प्राप्त होती है, इनका यह कहना है. दिस इज सो बिकॉज ऑफ द इमेजिनेटिव कलरिंग ऑफ रियलिटी इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक इमिटेशन. पोएटिक इमिटेशन के माध्यम से उसमें कलर डाल देता है, रंग डाल देता है एक पोएट, और उस अपनी कल्पना के माध्यम से उसे खूबसूरत बना देता है. पोएट्री इज द क्रिएटिव प्रोसेस. इसीलिए पोएट्री क्या है, एक सृजनात्मक क्रिया है, क्रिएटिव प्रोसेस है. पोएट्री इज द क्रिएटिव प्रोसेस गिविंग अस द पोएट्स कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रूथ, टेलिंग अस व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम मेन ऑट टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी. मतलब संभावना और आवश्यकता के हिसाब से किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, यह बताता है हमको पोएट, और यही उसकी मूल अवधारणा है. द रियल एंड द आइडियल फ्रॉम एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू आर नॉट अपोजिट्स. मतलब रियल और आइडियल फॉर्म एरिस्टोटल के हिसाब से अलग अलग नहीं है, अपोजिट नहीं है. द आइडियल इज द रियल श्योर्न टू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टेकन अवे चांस एंड इंसिडेंट्स ए प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ रियलिटी. तो जो इमेजिनेशन है या फिर आइडियल फॉर्म है किसी चीज का, वह क्या है, रियलिटी से लिया गया है, सच्चाई से लिया गया है, वास्तविक दुनिया से लिया गया है, लेकिन इसको प्यूरीफाई किया गया है. तो आइडियल जो होता है रियलिटी का प्यूरीफाइड फॉर्म होता है. एंड इट इज दिस हायर रियलिटी विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन. और जो हायर रियलिटी है यह क्या है, पोएटिक इमिटेशन का मेन ऑब्जेक्ट है. आइडियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलिटी आर अचीव्ड बाय Divesting the real of all that is accidental, transient and particular. मतलब जो accidental feelings and emotions हैं, है ना, जो हमारे मन में आने वाली भावनाएं हैं, जो स्थायी भावनाएं हैं, क्षणिक भावनाएं हैं, इन सब के द्वारा वह उनको idealize करता है, विचारों को उनको universal करता है. Poetry thus imitates the ideal and the universal. इस प्रकार poetry जो है ideal का जो आदर्श है, जो universal है, जो सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, उसको imitate करता है. इट इज एन आइडलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इमोशन एक्शन अंडर फॉर्म्स मैनिफेस्ट इन सेंस. उसके सेंस को जो महसूस होता है उसको ही वह आइडलाइज मतलब आदर्श रूप में रिप्रेजेंट करता है. अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग जो इमोशंस हैं, जो एक्शंस हैं लोगों को, उनको वह रियलिस्टिक वर्ड से लेता है, लेकिन आइडियलिस्टिक रूप में उन्हें रिप्रेजेंट करता है. पोएटिक ट्रूथ देयरफॉर इज हायर देन हिस्टोरिकल ट्रूथ. इसलिए जो पोएटिक ट्रूथ है, कविता में जो सच्चाई है, वह हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो सच्चाई है उससे हायर है, उससे बेटर है, उससे सुपीरियर है. पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल, मोर कंडक्टिव टू अंडरस्टैंडिंग देन फिलोसफी इटसेल्फ. और पोएट्री फिलोसफी से भी ज्यादा दार्शनिक होती है. मतलब फिलोसफी से भी बेहतर क्या होती है, पोएट्री होती है अपने आप में. अब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, दस एरिस्टोटल सक्सेसफुली एंड फाइनली रिफ्यूटेड द चार्ज ऑफ प्लेटो. इस प्रकार प्लेटो ने कविता के ऊपर जो आरोप लगाए थे, आक्षेप लगाए थे, उनका खंडन करते हैं. एंड प्रोवाइडेड अ डिफेंस ऑफ पोएट्री विच हैज एवर सिंस बीन यूज्ड बाय लवर्स ऑफ पोएट्री इन जस्टिफिकेशन ऑफ देयर म्यूज. और वह लोगों को पोएट्री के डिफेंस में वे सारे लॉजिक उपलब्ध कराते हैं, और अपनी जो म्यूज है,
जो कविता की देवी है उसके सम्मान को बनाए रखते हैं। ही ब्रीद न्यू लाइफ एंड सोल इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन, एनलार्ज इट्स स्कोप एंड शोड दैट इट इज इन रियलिटी अ क्रिएटिव प्रोसेस। फाइनली एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने इमिटेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसे नया जीवन प्रदान किया, उसके स्कोप को बढ़ाया, उसके क्षेत्र को बढ़ाया और यह बताया कि जो इमिटेशन है वास्तव में है एक क्रिएटिव प्रोसेस है, सृजनात्मक क्रिया है, केवल कॉपी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि मेरा आपका यह लेक्चर, आज का यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।